एक बार फिर से स्वागत है फूड फन विद अलका में। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं व्रत के लिए कढ़ी या फलाहारी कढ़ी। आटा कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 चम्मच सिंगाड़े का आटा लिया है और अब हमारे पास है छाछ, बटर मिल्क, मट्ठा कुछ भी बोलते हैं इसको। तो अब इसको हम छाछ के साथ में मिक्स करके एक बैटर बना लेंगे, एकदम लम्प फ्री बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए हमें जितनी छाछ चाहिए उतनी ही छाछ हमें डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर छाछ अवेलेबल नहीं है तो आप दही के और पानी के साथ में मिक्स करके बैटर बना सकते हैं। तो हमने देखिए एकदम लम्प फ्री एक पतला सा बैटर बना लिया है। अब हम इसको चॉक लगाते हैं। अब एक कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। होने पर हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा, 5-7 कड़ी पत्ते हैं मेरे पास, इनको मीठा नीम भी कहते हैं, डालेंगे। 2 लाल मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने ली है, इनको लंबा लंबा काट दिया है, इनको थोड़ा सा सौते कर लेंगे जिससे मिर्च अपनी भुन जाए। अब उसके बाद ये घोल जो हमने लिया है वो हिलाते हुए इसमें डालेंगे। आपको हिलाते हुए ही डालना है, अदरवाइज दही फट जाएगा। अब जैसे ये गाढ़ा होने लग गया है इसमें हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी और डालना होगा। इसमें मैंने लगभग 1/2 ग्लास पानी और डाल दिया है, जितनी मुझे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। और इसको हिलाते हुए हमें पकाना है। आप फुल गैस रख सकते हैं और लगातार हिलाते हुए जब तक कि बॉईल ना हो जाए तब तक हमें हिलाना है। इसमें हमने कोई मसाला या नमक अभी नहीं डाला है कि ये दही डाला हुआ है, तो दही में हमेशा नमक बाद में डालना होता है, अदरवाइज दही फट सकता है। और हम व्रत के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो इसमें मसाले हम बहुत ही कम डालेंगे, सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल होगा इसमें। बाकी आप जो मसाले अगर खाते हैं तो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। क्योंकि अभी गाढ़ी होने लग गई है, जैसे जैसे बॉयल होगी थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी, तो हम इसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/4 ग्लास पानी और ऐड किया है। सिंगाड़े का आटा बहुत फूलता है देखिए, तो इसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना पड़ेगा। देखिए हमने सिर्फ 2 चम्मच आटा लिया था और उससे हमारा कितना सारा कढ़ी बन गई है। तो इसको हमें हिलाते हुए पका लेना है, खुला ही पकाना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। जब बॉयल आ जाए तो उसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कढ़ी अब बॉयल होना लग गई है, तो अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ये मैं डाल रही हूँ सीधा नमक जो फलाहारी होता है व्रत में हम लोग यूज करते हैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। सिर्फ ये 2 मसाले ही मैं इसमें यूज कर रही हूँ क्योंकि व्रत के अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं, तो हम ज़्यादा कोई मसाला इसमें नहीं डालेंगे। बॉयल आने के बाद हम कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसे सिम गैस पे और पकाएंगे। अब आप चाहे तो हिलाना छोड़ सकते हैं और बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे, लगातार हिलाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 5 मिनट तक हमने कढ़ी को और पका लिया है, और जिसमें हम बीच बीच में हिलाते रहे थे जिससे कि नीचे लगे नहीं। कढ़ी अब अपनी रेडी है, इसको हम गैस बंद करके कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये अपनी बंद कर तैयार है और सर्विंग के लिए रेडी है। इसको हम हरे धनिया के साथ गार्निश कर देंगे और अब ये सर्विंग के लिए रेडी है।